भारत की ई कॉमर्स सेक्टर की लीडिंग कंपनी फ्लिपकार्ट अब दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट की हो गई है। वॉलमार्ट ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। वॉलमार्ट ने हेज फंड टाइगर ग्लोबल की फ्लिपकार्ट में पूरी हिस्सेदारी खरीदी है। अब पूरी खबर क्या है, जरा डिटेल में समझते हैं। कंपनी ने अपने निवेशकों को जानकारी दी, उसके मुताबिक वॉलमार्ट ने यह हिस्सेदारी $140 करोड़ यानी कि 11,511.11 करोड़ रुपए में खरीदी है। दरअसल टाइगर ग्लोबल की फ्लिपकार्ट में करीब 4% हिस्सेदारी थी। टाइगर ग्लोबल एक हेज फंड कंपनी है। अब टाइगर ग्लोबल की इसी 4% स्टेक होल्डिंग को वॉलमार्ट ने खरीदा है। फ्लिपकार्ट में टाइगर ग्लोबल की हिस्सेदारी खरीदने के लिए वॉलमार्ट ने $1.4 बिलियन की रकम अदा की है। करीब 5 साल पहले 2018 में वॉलमार्ट ने $1,600 करोड़ में फ्लिपकार्ट में करीब 77% हिस्सेदारी खरीद ली थी। उस साल कंपनी ने कहा था कि वो अगले 4 सालों में IPO लेकर आएगी। अमेरिकी रिटेलर हाल के महीनों में भारत में ऑनलाइन रिटेलिंग में अपना जोर बढ़ा रही है। इस साल की शुरुआत में एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि प्राइवेट इक्विटी फर्म SL और टाइगर ग्लोबल वॉलमार्ट को अपनी बाकी की हिस्सेदारी बेचने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इन दोनों ने फ्लिपकार्ट के शुरुआती दिनों से ही निवेश किया हुआ है। फ्लिपकार्ट ने 2021 में अपनी हिस्सेदारी जापान के सॉफ्टबैंक, US की रिटेलर कंपनी वॉलमार्ट और दूसरे इन्वेस्टर्स को बेच दिया था। शेयर बेचने के बाद नई ट्रांजैक्शन से ई कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट की वैल्यू कम हो गई थी। $3,800 करोड़ से ये $3,500 करोड़ पे आ गई है। वॉलमार्ट ने भारतीय ई कॉमर्स दिग्गज पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए फ्लिपकार्ट में टाइगर ग्लोबल की बची हुई जो हिस्सेदारी थी उसको खरीद लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि टाइगर ग्लोबल ने $1.2 बिलियन के निवेश पर $3.5 बिलियन का फायदा कमाया है। फ्लिपकार्ट को टॉप लेवल का झटका लग रहा है। मई में जानकारी सामने आई थी कि इसके टॉप लेवल के 3 एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ने वाले हैं। ये 3 कर्मचारी फ्लिपकार्ट से करीब 8-9 सालों से जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी फ्लिपकार्ट में इस्तीफों की झड़ी लगी थी। ये सभी इस्तीफे फ्लिपकार्ट के ठीक उस ऐलान के बाद शुरू हुए थे जब इसने एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान के बायबैक के लिए कहा था। आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट ग्रुप भारत की लीडिंग डिजिटल कॉमर्स कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक है और इसमें ग्रुप की कंपनियां फ्लिपकार्ट मिंत्रा, फ्लिपकार्ट होलसेल, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस और क्लियर ट्रिप शामिल है। 2007 में शुरू हुई फ्लिपकार्ट ने 400 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर्स बेस के साथ 80 से ज्यादा कैटेगरीज में 150 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स की पेशकश करते हुए लाखों कंज्यूमर्स, सेलर्स, मर्चेंट्स और स्मॉल बिजनेसेस को भारत के डिजिटल कॉमर्स रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनाने में सक्षम बनाया है। अब इसमें वॉलमार्ट की हिस्सेदारी बढ़ गई है। टाइगर ग्लोबल की 4% की हिस्सेदारी थी जो इसको वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।